टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। आज थाने जिले के सभी प्रभाग समितियों के हद में हुए लॉकडाउन के बीच व अन्य दिनों में इलीगल बिल्डिंगों पर TMC का चला हथौड़ा और साथ ही साथ 200 से अधिक हाथ गाड़ियों पर कार्रवाई की है। पिछले दिनों थाने महानगर पालिका के कमिश्नर विपिन शर्मा ने तत्काल इसी मुद्दे पर मीटिंग बुलाया था। सभी सहायक आयुक्त और सभी उपायुक्त को बुलाकर एक मीटिंग की थी, इनलीगल बिल्डिंग की लिस्ट जमा करने को कहा था और आज 4 सितंबर है, आज से इनलीगल बिल्डिंगों पर हथौड़ा चलना शुरू हो गया है, यानी कार्रवाई शुरू कर दी है। आज सभी 9 प्रभाग समितियों में कार्रवाई किया गया और कल भी कार्रवाई जारी रहेगा। ऐसे तो शहर में इलीगल बिल्डिंगों को लेकर हमेशा आवाज़ उठती रहती है, लेकिन ये जो कार्रवाई आज से शुरू किया गया है वो कमिश्नर विपिन शर्मा के आदेश पर वर्तक नगर उथलसर प्रभाग समिति, नौपाड़ा, कोपरी, 5 पखाड़ी, कलवा, मुमरा, दीवा व अन्य जगहों पर लगभग दर्जनों अवैध निर्माण इमारतों पर TMC का हथौड़ा चला। साथ ही साथ ये कार्रवाई उन पर भी आफत बनी जो हाथगाड़ी पे सामग्री बेचते थे, उन पे भी कार्रवाई हुई है, लेकिन ये कार्रवाई फिलहाल रुकने वाली नहीं है, चलती रहेगी, लेकिन कल जो कार्रवाई होगी पुलिस बंदोबस्त के बीच होगी। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, आप देखें अलग अलग इलाकों की ये तस्वीर है जहां पर धड़ल्ले से बन रहे इमारत पे कार्रवाई किया जा रहा है। पिछले दिनों हुए महशहर के तबादले के बाद मुमरा प्रभाग समिति को संभालने की जिम्मेदारी सचिन भोरसे को सौंपा गया है। बहरहाल सचिन भोरसे ने कलवा मुमरा दोनों चार्ज लिया है और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।